फरीदाबाद में हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने सैकड़ों युवाओं को जॉब ऑफर लेटर बांटे। लेटर हासिल करने वाले युवाओं के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। फरीदाबाद के सेक्टर 16 की ये तस्वीरें उद्योग मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय की हैं, जहां प्रदेश के युवाओं की भीड़ लगी है और इन सब के चेहरों पर खुशी भी साफ देखी जा सकती है। वजह भी खास है, क्योंकि लंबे वक्त से ये युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, मगर आज इनके सपनों को एक दिशा मिल गई है। ये सब हिस्सा है जॉब ऑफर लेटर डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का, जहां उद्योग मंत्री ने 461 बेरोजगारों को विभिन्न कंपनियों के जॉब लेटर वितरित किए। रोजगार मेले के तहत हम लोगों ने जो रोजगार मेला लगाया था, उसमें 2050 बच्चे वहां पर आए थे, जिसमें से 551 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। 461 बच्चों को आज दिया जा रहा है, बाकी का अलॉटमेंट लेटर अपॉइंटमेंट लेटर बन रहा है, या तो बच्चे नहीं आ सके किसी वजह से या कोई दिक्कत है, तो वो 2-3 दिन के अंदर उनको डिलीवर कर दिया जाएगा। नंबर 500 प्लस है, 461 का आज डिलीवर किया जा रहा है, तो उसमें से जो 551 बच्चे चयनित हुए थे सभी को इंडस्ट्रीज अलॉटमेंट लेटर। दरअसल 28 मई को सेक्टर 18 के ITI भवन में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जहां 551 बेरोजगार युवक युवतियों को जॉब के लिए सिलेक्ट किया गया। और अब ऑफर लेटर मिलने के बाद प्रदेश के युवाओं ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। कंप्यूटर इंजीनियर के लिए अप्लाई किया था और मैं हमारे माननीय श्री विपुल गोयल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसके थ्रू ये सारे जो बच्चे आए हुए हैं इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिले और उन्हें जॉब्स मिली जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। फर्स्ट टाइम में जॉब अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया मंत्री जी के हाथों से। जॉब मेले में मैंने इंटरव्यू दिया था जिसमें पास हुआ और मुझे जॉब अपॉइंटमेंट लेटर मिला फर्स्ट टाइम। ऐसी रोजगार मिलता रहे तो कभी रोजगार की कमी नहीं होगी। जॉब ऑफर के कारण ये कहना चाहूँगा कि जो भी निकला वो अच्छी चीज़ है, ये ऐसे पहले कभी हुआ नहीं है। जो भी बच्चे जॉब के लिए नहीं आते थे उनको जॉब भी मिलेगी, अब जो भी आ रहे थे मतलब पहले कभी जॉब नहीं मिलती थी, कंपनी नहीं जाते थे, मना करते सारे जॉब वाले, अब जो भी है जॉब अपना ढूंढेंगे अपने जाएंगे। कोई इससे जो भी है अच्छी चीज़ है, सरकार का शुक्रिया तो करना ही चाहेंगे क्योंकि उन्हीं की वजह से तो मिला है ये जो भी मिला है। इसी तर्ज पर अब 2 जुलाई को पलवल के प्रथला स्थित सरकारी स्कूल में भी रोजगार मेला लगाया जाएगा, जहां कम से कम 500 बेरोजगारों को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सरकार की ये मंशा है कि जो बेरोजगार नौजवान रह जाएंगे उनके लिए भी रोजगार के मौके उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी। फरीदाबाद से विनोद मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।